नमस्कार, एशियन 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। नजर डाल लेते हैं आज की खबरों पर। रायगढ़ के प्रसिद्ध जन्माष्टमी मेला में लोगों की भीड़ व यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने 1 से 5 सितंबर तक शहर के कई मार्गों में वाहनों का प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान लाखों की भीड़ मेला देखने रायगढ़ पहुँचती है, जिनके सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जन्माष्टमी मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने 1 से 5 सितंबर तक के लिए शहर के अनेक मार्गों में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दरमियान लाखों की भीड़ मेला देखने रायगढ़ पहुंचती है, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवानों की अनेक चौक चौराहों पर ड्यूटी लगाई गई है, तथा यातायात को ध्यान में रखते हुए मेले के झांकी स्थल गौरी शंकर मंदिर व श्याम मंडल की ओर जाने वाले मार्गों को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सिल्वर पैलेस कोष्टापारा व न्यू मार्केट रोड से गौरी शंकर मंदिर की ओर सिर्फ पैदल ही आना जाना किया जा सकेगा। इसी तरह श्याम मंडल की झांकी के लिए पुराने शनि मंदिर के पास से प्रवेश दिया जाएगा, जहाँ से दर्शन के बाद लोग संजय मार्केट होते हुए गांधी प्रतिमा मार्ग से व शांति निवास की बगल से बाहर निकल सकेंगे। राम निवास टॉकीज से पुराना शनि मंदिर रोड को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पार्किंग के लिए रेलवे स्टेशन के सामने नटवर स्कूल, गांधीगंज, रामलीला मैदान व इतवारी बाजार में व्यवस्था की गई है। यह निर्णय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित शांति समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता एडिशनल SP हरीश राठौर ने की। बैठक में SDM भागवत जायसवाल व CSP सिद्धार्थ तिवारी मौजूद थे। इसमें विरासतकालीन जन्माष्टमी महोत्सव के संबंध में रायगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और पत्रकार बंधुओं के साथ में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में बैरिगेट्स लगाना, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना और साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था करना, मेडिकल टीम की तैयारी रखनी और इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट ड्यूटी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की और जो स्थानीय समस्या, तात्कालिक समस्या जो होगी, जो अतिक्रमण के जो उस समय की समस्याएँ रहेगी, इसको सॉल्व करने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और इसमें शीघ्र कार्रवाई करके जन्माष्टमी को सुचारू रूप से आयोजन करने की तैयारी की जाएगी। जन्माष्टमी मेले के आयोजन को लेकर बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्याम मंडल 24वां ऐतिहासिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी झूला उत्सव की अपनी श्रृंखला को लेकर आ रहा है, जो कि काफ़ी नई नई झांकियां आपको देखने को मिलेंगी जो शैक्षणिक हैं, और निश्चित रूप से मतलब जो है लाखों लोग इस जन्माष्टमी मेले में आते हैं। और ये मेला अपने आप में बहुत बड़ा मेला है, जहाँ ये रायगढ़ वासियों के लिए बहुत ही अद्भुत और रायगढ़ वासियों के लिए बेहद ही अच्छा क्षण है ये कि मथुरा और वृंदावन के बाद में इतना बड़ा मेले का स्वरूप पूरे भारत में रायगढ़ में दिखाई देता है। और मैं रायगढ़ वासियों से इस मेले के द्वारा ये आग्रह करता हूँ कि अपने शुभ चिंतकों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को लेकर आएँ, ताकि इस मेले की अधिक से अधिक लोग इस मेले का दर्शन कर पाएँ और पुण्य के भागी बने। इस बार श्याम मंडल क्या विशेष कर रहे हैं? इस बार श्याम मंडल की हर प्रतिवर्ष ही श्याम मंडल की नई नई जो है झांकियाँ दिखाने का एक हमारा प्रयास रहता है, जिसमें सब पूरे रायगढ़ वासियों का, प्रशासन का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का पूरा सहयोग हमको मिलता है। ये 3 सितंबर को यहाँ पे जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो रायगढ़ में जन्माष्टमी को विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग और दूसरे ज़िले से लोग, दूसरे राज्य से लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर और श्याम मंदिर जो है वहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, उसकी वजह से भीड़ होती है। दूसरा, यहाँ पे मेला लगा रहता है, तो इसलिए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी और सभी पक्षों से चर्चा की गई इसमें, और दोनों समितियों से चर्चा की गई, और इसमें प्रशासन को पूरे सहयोग देने की इनसे अपील की गई, ताकि ये जो जन्माष्टमी का पर्व जो रायगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है, वो शांतिपूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो सके। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।